हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी बंदी से इश्क का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अन्वीक्षा ने हृदयान की तरफ सावलिया नज़रों से देखा, जिसकी दो मजबूत बाहों ने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया था। तब हृदयान ने उसे धीरे से सीधा किया, पर अभी भी उसका हाथ अन्वीक्षा की पीठ पर ही था। अन्वीक्षा उसकी इस हरकत पर मन ही मन सोचने लगी, हृदयान जी, इतने रंगों के तो हमने नाम नहीं सुने जितने आप पिछले 24 घंटों में बदल चुके हैं। कभी प्यार से थामते हैं तो कभी गुस्से से दूर कर देते हैं। कभी आपकी छुअन इतनी नर्म होती है कि दे सिहर उठता है, और कभी ऐसी कि दर्द से रू कांप उठे। आखिर आप चाहते क्या हैं? और ये सोचते हुए वो हृदयान की तरफ देखने लगती है। तभी रेखा जी उससे कहती है, बेटा अब इस आलते की थाल पर पैर रखकर आगे बढ़ो। उनके ऐसा कहने पर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपना सिर झटक कर रेखा जी के कहे अनुसार आलते में अपने पैरों को रख उनकी छाप जमीन पर छोड़ते हुए अंदर आ जाती है। उसके आलते से पैरों की छाप उस हवेली में लक्ष्मी के स्वागत को बखूबी दर्शा रही थी। उसके साथ ही हृदयान और मृगांका भी घर के अंदर आते हैं। फिर वे पांचों पूजा घर की ओर बढ़ते हैं, जहां माँ भवानी की बड़ी सी मूरत हॉल के बीचों बीच स्थापित थी। उनका श्रृंगार बड़े ही भव्य ढंग से किया गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात माता रानी वहां विराजमान हो। उन सभी ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए, पर मृगांका उन सबसे थोड़ी दूर अपने हाथ बांधे खड़ी थी। फिर वहीं खड़े पुजारी ने अन्वीक्षा की हाथों में पूजा की थाली देते हुए कहा, लीजिए छोटी ठाकुराइन, माता रानी की आरती कर अपने नए जीवन का प्रारंभ कीजिए। तो उसके कहने पर अन्वीक्षा ने मुस्कुराते हुए आरती की थाल अपने हाथों में ली, और जैसे ही वो आरती करने को हुई कि पंडित जी ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, छोटे ठाकुर, परंपरा के अनुसार आपको भी छोटी ठाकुराइन के साथ आरती करनी होगी। विवाह के तत्पश्चात वरवधु अपने नए जीवन के मंगल कामना के लिए माता रानी की साथ में आरती करते हैं। उनकी इस बात पर मृगांका की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोली, सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता कि इन भाई साहब के साथ रहने पर अनु के साथ कुछ मंगल हो सकता है। वहीं उसकी इस बात पर सब उसे घूरने लगे, तो उसने अपनी भौवें उचका दी। तभी कृष्ण जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडित जी शंखनाद कीजिए। उनके इतना कहते ही उन्होंने शंख बजाया, और फिर अन्वीक्षा और हृदयान ने माता रानी की आरती उतारी। जिसके बाद अन्वीक्षा ने मृगांका की तरफ देखते हुए कहा, आइए मृगी, माता की आरती उतारिए। इस पर मृगांका ने उसकी बात पर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यू नो नानू, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ये सुन अन्वीक्षा थोड़ी तेज आवाज में बोली, मृगी आपने सुना नहीं हमने क्या कहा। उसकी इस बात पर मृगांका ने एक गहरी सांस ली और अन्वीक्षा के हाथ से आरती की थाल ली कि तभी कृष्ण जी ने उसका एक हाथ पकड़ लिया। इस पर मृगांका के साथ सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे, तो उन्होंने मृगांका की तरफ देखते हुए नर्म आवाज में कहा, इतने सालों बाद हमारी बेटी वापस आई है, तो उसके साथ माता रानी की आरती करने का हक तो हमें भी है, आइए रेखा जी। और ये कहते हुए उन्होंने मुस्कुराकर रेखा जी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो रेखा जी ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और अन्वीक्षा और हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, अब आप दोनों किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए हाथ लगाइए। उनके इतना कहते ही उन दोनों ने भी आरती की थाली पर हाथ लगा दिए। इस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सिवाय हमारे ठाकुर सिब्लिंग्स के, जहां हृदयान के चेहरे पर हमेशा की तरह सर्द भाव थे, वहीं मृगांका का चेहरा भावहीन और आंखों में नमी थी। उसके मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हो रहा था। उसने जब से होश संभाला था तब से ही खुद को अकेला ही पाया, पर आज अचानक ही उसके पास अपना परिवार था। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि पंडित जी की आवाज़ से वो होश में आई। उन्होंने उससे आरती की थाली ली और फिर सबने बारी बारी आरती ली। तभी रेखा जी ने भावुक होकर कहा, कहने को तो सब है हमारे पास, पर ये घर हमेशा सोना ही रहा, पर अब माता रानी ने कृपा की तो ऐसी की, बेटी और बहू दोनों की खिलखिलाहट एक साथ गूंज गई,
इस वीरान हवेली में। चलिए अब सब अपने हाथ जोड़ लीजिए, जो भी माता रानी से प्रार्थना करनी है वो कर लीजिए। उनके इतना कहते ही सब ने अपने हाथ जोड़ लिए, पर सभी के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। जहाँ रेखा जी और कृष्ण जी अपने बच्चों की खुशियों की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं मृगांका अपने हाथ जोड़े खड़ी अपने मन में बोल रही थी, शायद ये पहली बार है जब मैं आपके सामने यूं हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। इट्स जस्ट दैट भले ही मुझे आप पर विश्वास ना हो, पर अनु को है और मुझे आपसे आशा है कि आप उसके विश्वास को कायम रखेंगे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। वहीं अन्वीक्षा अपनी आंखें मूंदे माता रानी से कह रही थी, हे माँ भवानी, हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, पर फिर भी हमें इतनी शक्ति देना कि हम ये रिश्ता और एक बहू की तरह अपनी भूमिका को बखूबी निभा पाएँ, और आपकी पुत्री का स्वाभिमान अब आपके हाथों में है, तो चाहे अब कुछ भी हो जाए परंतु हमारे उस स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचाने दीजिएगा। और दूसरी तरफ हृदयान मन में कहता है, माँ आप तो जानती हैं कि हम ये सब अपनी रजामंदी से नहीं कर रहे, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा। इसके बाद वे सभी हॉल में आ गए। तभी हृदयान ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे से कृष्ण जी ने उन्हें आवाज़ लगाई और बोले, छोटे ठाकुर। तो हृदयान ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अन्वीक्षा को अपने साथ लेकर जाइए। इस पर उसने चिढ़ते हुए कहा, लेकर जाइए मतलब वो खुद चलकर नहीं आ सकती क्या? ये देख रेखा जी ने उसे घूरते हुए कहा, जी नहीं। तो हृदयान थोड़ा हैरान होकर बोला, व्हाट? जिसके जवाब में रेखा जी ने कहा, परंपरा के अनुसार तुम्हें उन्हें उठाकर कमरे में ले जाना होगा। ये सुन उसने गहरी सांस ली और फिर उसने अन्वीक्षा की तरफ देखा, जो कि भोली सी सूरत लिए उसे ही देख रही थी। ये देख उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उसने उसे गोद में उठा लिया। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।